एक बार एक दुखी व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आता है और कहता है, बुद्ध, मुझे लगता है कि मैं इस दुनिया का सबसे दुखी व्यक्ति हूँ। मैं अपने गांव का एक गरीब मजदूर हूँ और बड़े किसानों के यहाँ काम करता हूँ। अपनी मेहनत मजदूरी से मैं सिर्फ इतना ही कमा पाता हूँ कि अपने परिवार के लिए दो वक्त के खाने का जुगाड़ कर सकूँ। मेरे पास रहने के लिए एक अच्छा घर भी नहीं है और ना ही खेती करने के लिए जमीन का एक टुकड़ा। मेरी पत्नी और बच्चे हमेशा हमारी गरीबी की शिकायत करते रहते हैं और वो इसके लिए मुझे जिम्मेदार ठहराते हैं, जिससे मुझे उन पर गुस्सा आता है और घर में कलह और लड़ाइयाँ होती हैं। कई बार तो मैं गुस्से में अपनी पत्नी और बच्चों पर हाथ भी उठा देता हूँ, लेकिन जब मेरा गुस्सा शांत होता है तो मुझे अपनी इस हरकत पर पछतावा होता है। कई बार मेरी पत्नी और बच्चे किसी सामान को लेने के लिए जिद करते हैं, लेकिन जब मैं उन्हें वो सामान खरीद कर नहीं दे पाता तो उनके उदास चेहरों को देखकर मुझे बहुत दुख होता है और ख़ुद पर गुस्सा भी आता है कि क्या मैं अपने छोटे से परिवार को खुश रखने के लायक भी नहीं हूँ। मेरे पास ज़्यादा धन संपदा नहीं है, इसीलिए गाँव के लोग मुझे गंभीरता से भी नहीं लेते। मेरे दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच मेरी बातों का कोई खास महत्व नहीं होता और ना ही लोगों से मुझे वो सम्मान मिलता जो मैं उनसे चाहता हूँ। बुद्ध, अपने जीवन की इन सभी कमियों के बारे में सोच सोच कर मैं बहुत दुखी रहता हूँ और अक्सर अपनी किस्मत और भगवान को कोसता रहता हूँ कि मेरे ही जीवन में इतना दुख, इतना दर्द क्यों है। मैं देखता हूँ कि मेरे आसपास के लोग कितने खुश हैं, कितना आनंदित है उनका जीवन। कई बार तो मुझे उनकी खुशी देखकर जलन महसूस होती है। मेरे गांव का सेठ कितना अमीर है, वो कितना सारा धन है उसके पास। वो किसान जिसके यहाँ मैं काम करता हूँ, कितने सारे खेत हैं उसके पास, जिसमें सैकड़ों मजदूर रोज काम करते रहते हैं। मेरे गांव का व्यापारी, पूरे नगर में उसका व्यापार फैला हुआ है। हमारे गांव के मुख्य मंदिर का प्रधान पुजारी, उसे कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ पूजा करता है और पूरे गाँव के लोग उसे भर भर कर दक्षिणा देते हैं। कितना खुश है इन सबका जीवन, इनके जीवन में कोई कमी, कोई भी दुख नहीं है। बुद्ध, आप मुझे कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे मेरा जीवन इन लोगों की तरह खुशी और आनंद से भर जाए और मेरे जीवन में कभी भी किसी प्रकार का कोई दुख ना रहे। अपनी पूरी बात समाप्त करने के बाद वह व्यक्ति चुप होकर बैठ गया और बुद्ध के उत्तर का इंतजार करने लगा, लेकिन बुद्ध कुछ भी नहीं बोले और उसकी पूरी बातें सुनने के बाद अपनी आँख बंद करके ध्यान मग्न हो गए। वह व्यक्ति कुछ देर तक प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन जब बुद्ध कुछ ना बोले तो उसने कहा, बुद्ध, मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ, आप मेरे दुखों को खत्म करने का कोई तरीका बताएं। यह सुन बुद्ध ने आंखें खोली और कहा, तुम कल सुबह अपने गांव के उन चारों लोगों को अपने साथ लेके आना जो बहुत खुश हैं, जिनके जीवन में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है। फिर मैं कल तुम्हें एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे तुम्हारे जीवन के सारे दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे। यह सुन वह व्यक्ति बहुत खुश हुआ और उन चारों लोगों के साथ कल वापस आने का वादा कर वहाँ से चला गया। उसके जाते ही बुद्ध के एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, तथागत, आप उस व्यक्ति के प्रश्नों का उत्तर आज भी दे सकते थे, लेकिन आपने उसे कल क्यों बुलाया? बुद्ध ने कहा, क्योंकि सिर्फ मेरी बातों से उसका नज़रिया नहीं बदलने वाला था। जीवन के प्रति उसके नज़रिए को बदलने के लिए उन चारों लोगों का यहाँ होना ज़रूरी है, जिन्हें वो सबसे खुशहाल इंसान समझता है, जिनके लिए वो मानता है कि उनके जीवन में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर गौतम बुद्ध ने जीवन के प्रति हमारे नज़रिए की बात की है कि अगले दिन वह इंसान उन चारों लोगों के साथ गौतम बुद्ध के पास वापस आता है और कहता है, बुद्ध, मैं बड़ी मुश्किल से इन चारों लोगों को अपने साथ ला पाया हूँ, अब आप मुझे जल्दी से वो राज बता दें जिससे मेरे जीवन के सारे दुख, सारी तकलीफें समाप्त हो जाएंगी। बुद्ध ने कहा, लेकिन उससे पहले इन सब से ये तो पूछ लें कि क्या ये लोग सच में खुश हैं। बुद्ध ने सबसे पहले किसान से पूछा, मैंने सुना है कि तुम अपने गांव के सबसे खुश व्यक्ति हो, तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार का कोई दुख, कोई समस्या नहीं है। यह सुन वह किसान बड़े गुस्से में बोला, बुद्ध, कैसी बात कर रहे हैं आप, मुझे तो लगता है कि मैं अपने गांव का सबसे दुखी व्यक्ति हूँ।
कितनी सारी जिम्मेदारी और चिंताएं हैं मेरे ऊपर। इस साल कम बारिश की वजह से मेरी फसल कम हुई है। मुझे हर वर्ष इस बात की भी चिंता रहती है कि कहीं कीड़े मकोड़े और आवारा जानवर मेरी फसल को बर्बाद न कर दें। मुझे इस बात की भी चिंता बनी रहती है कि मजदूर खेतों में ठीक से काम कर भी रहे हैं या नहीं। इसके अलावा मेरी अनगिनत घरेलू समस्याएं भी हैं। मेरे बूढ़े माता पिता की तबीयत खराब रहती है, जिनके उपचार को लेकर मैं बहुत ही परेशान और चिंतित रहता हूँ। और ना जाने ऐसी ही कितनी सारी समस्याएं मेरे जीवन में हैं जो मैं आपको बता नहीं सकता। बुद्ध ने किसान से पूछा, तो फिर तुम्हारी नज़रों में गांव का सबसे सुखी व्यक्ति कौन है? किसान ने कहा, मुझे लगता है कि सेठ हमारे गांव के सबसे सुखी व्यक्ति हैं, क्योंकि उन्हें मेरी तरह खेतीबाड़ी की चिंता नहीं करनी पड़ती। वो तो बस लोगों को पैसे उधार देते हैं और उससे मिलने वाली ब्याज से अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं और खुश रहते हैं। यह सुन वहीं बैठे सेठ ने किसान की बात का मजाक बनाते हुए कहा, मैं और गांव का सबसे सुखी व्यक्ति हो ही नहीं सकता। मुझे तो लगता है कि पूरे गांव में सबसे झंझट वाला काम मेरा ही है। मेरा पूरा दिन पैसों का हिसाब किताब करने में निकल जाता है। कई लोग तो मेरा पैसा वापस भी नहीं करते, फिर मुझे उनसे लड़ाई झगड़ा करके पैसा वापस लेना पड़ता है। सारे चोर लुटेरों की नज़र हमेशा मेरे धन में ही रहती है, इसीलिए हर समय मेरे प्राणों पर संकट मंडराता रहता है। मुझे अपनी और अपने धन की सुरक्षा के लिए कई सारे लठबाजों को हमेशा ही किराए पर रखना पड़ता है। वो हर समय मेरे साथ रहते हैं। मैं कहीं बाहर अकेले स्वतंत्र रूप से घूम भी नहीं सकता। पूरा गांव मुझे मन ही मन लुटेरा मानता है कि मैं गरीबों को लूटता हूँ। इसीलिए सारे गरीब और मजदूर मुझे अपना दुश्मन समझते हैं। और ना जाने ऐसी कितनी ही सारी समस्याएं मेरे जीवन में भरी पड़ी हैं कि बताने के लिए दिन कम पड़ जाए। इसीलिए बुद्ध, मैं अपने गांव का सबसे सुखी व्यक्ति नहीं हूँ। मुझे लगता है कि व्यापारी हमारे गांव का सबसे सुखी व्यक्ति हो सकता है, क्योंकि वह तो बस किसानों और कारीगरों से सस्ते भाव में सामान खरीदता है और उसे महंगे भावों में बाजार में बेच देता है और बीच का मोटा मुनाफा कमाता है। यह सुन वहीं बैठा व्यापारी ऊंची आवाज़ में बोला, मेरे जितना मुश्किल काम शायद ही पूरे नगर में और किसी का होगा। मुझे कारीगरों और किसानों से सस्ते भाव में सामान लेने के लिए कितना मोल भाव करना पड़ता है, फिर उस सामान को बाजार तक ले जाने में कितनी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, फिर उस सामान को ग्राहकों को बेचने के लिए उनसे पूरे दिन मोल भाव करना पड़ता है। राजा भी हम व्यापारियों से ही सबसे ज़्यादा कर वसूलते हैं। चोर लुटेरों की नज़र भी हमारे सामान और दुकानों पर बनी रहती है। हमें उनसे भी अपने व्यापार को सुरक्षित रखना पड़ता है। इसके अलावा मेरे चारों बच्चे मेरे व्यापार में अपनी हिस्सेदारी को लेकर लड़ते रहते हैं। सबको व्यापार में ज़्यादा हिस्सेदारी चाहिए। और मुझे तो इस बात की भी चिंता बनी रहती है कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे मेरे इस पुश्तैनी व्यापार को ठीक से चला भी पाएंगे या नहीं। और इसी तरह की अनेकों शारीरिक, मानसिक और व्यापारिक चिंताएँ मेरे मन में बनी रहती हैं। तो इसलिए बुद्ध, मैं अपने गांव का सबसे सुखी व्यक्ति नहीं हूँ। इसके बाद बुद्ध ने गांव के प्रधान पुजारी से पूछा, तो फिर आप इस गांव के सबसे सुखी व्यक्ति होंगे? यह सुन पुजारी ने कहा, मैं अपने गांव का सबसे खुशहाल व्यक्ति कैसे हो सकता हूँ? इस गांव में सबसे जिम्मेदारी वाला काम तो मेरा ही है। चाहे सर्दी हो या बरसात, मुझे रोज़ सुबह 4 बजे उठना ही पड़ता है और मंदिर में पूजा करनी पड़ती है। चाहे कितना ही ज़रूरी काम हो, 7:30 बजे मंदिर में आरती कराने के लिए मुझे उपस्थित होना ही पड़ता है। अपनी इन जिम्मेदारियों की वजह से मुझे गांव के बाहर अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाने का समय ही नहीं मिलता। मेरे सभी रिश्तेदार इस बात के लिए मुझसे शिकायत करते हैं। और सबसे बड़ी बात, मुझे अपनी जीविका के लिए गांव वालों के दान दक्षिणा पर निर्भर रहना पड़ता है। इसके लिए मुझे पूरे गाँव वालों से अच्छे संबंध बना के रखने पड़ते हैं। और ऐसे ही बहुत सी जिम्मेदारी और चिंताएँ मेरे सर पर हैं, इसीलिए मैं भी अपने गांव का सबसे सुखी व्यक्ति नहीं हूँ। फिर बुद्ध ने उन चारों से पूछा कि आपके अनुसार सबसे सुखी व्यक्ति कौन होता है? उन चारों ने कहा, कोई भी व्यक्ति जो अपनी मेहनत से अपने और अपने परिवार के लिए 2 वक्त का खाना इकट्ठा कर ले, जिसके जीवन में ज़्यादा चिंताएं ना हों, जिसे रात में अच्छी नींद आती हो, जिसे कुछ खो जाने का डर ना हो, जो एक साधारण जीवन जीता है, वो व्यक्ति सबसे ज़्यादा सुखी है। जैसे कि हमारे गांव का ये मजदूर। उन चारों ने उस व्यक्ति की तरफ इशारा किया। किसान, सेठ, व्यापारी और पुजारी के मुंह से ऐसी बातें सुनने के बाद उस दुखी व्यक्ति को अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। वह जिन्हें आज तक
सबसे खुशहाल व्यक्ति समझ रहा था, वो तो अपने अंदर उससे भी ज़्यादा दुख लिए घूम रहे थे, और उनकी नज़रों में तो वह खुद सबसे सुखी व्यक्ति है। उस व्यक्ति के आश्चर्यचकित चेहरे को देखने के बाद बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, हम सभी को अपने दुख अपनी परेशानियाँ सबसे बड़ी लगती हैं। हमें लगता है कि हम ही इस दुनिया के सबसे दुखी व्यक्ति हैं। दूर से देखने पर दूसरा इंसान हमें खुद से ज़्यादा सुखी और खुशहाल प्रतीत होता है, लेकिन असल में सबके जीवन में हमारे तरह दुख और परेशानियाँ होती ही हैं, और हम कभी इनसे बच नहीं सकते। अगर तुमने बहुत प्रयास करके एक समस्या का समाधान कर भी लिया तो दूसरी नई समस्या खड़ी हो जाएगी। ध्यान रखो, जब तक हमारा जीवन है तब तक कोई ना कोई समस्याएं जीवन में रहेंगी ही। तुम्हारे जीवन में दुख का सबसे बड़ा कारण तुम्हारी समस्याओं का होना नहीं, बल्कि इस चाहत का होना है कि हमारे जीवन में कोई दुखी ना रहे। तुम्हें क्या लगता है कि मैं बुद्ध हूँ तो मेरे जीवन में परेशानियाँ नहीं हैं? मेरे जीवन में भी परेशानियाँ हैं, पर क्योंकि मैं समझ चुका हूँ कि परेशानियाँ जीवन का एक हिस्सा हैं और इनसे बचा नहीं जा सकता, केवल इन्हें स्वीकारा जा सकता है। इसीलिए अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में कोई दुख ना रहे, तो ये मान लो कि जीवन में दुख और परेशानियाँ तो रहेंगी ही, और जिस दिन तुमने ये स्वीकार कर लिया कि समस्याएँ हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा हैं, उस दिन के बाद से तुम्हें कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या दुखी नहीं कर पाएगी। दोस्तों, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।